हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्जुन सिंह, पीजीटी इंग्लिश, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसर टोड, मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे, उसी कड़ी में आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी बोलते हैं। जनरली ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं या जो विशेज होती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय एट्सेट्रा। उसके साथ साथ में जब कभी हम किसी को कोई त्यौहार विश करते हैं तो उसको भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही रखते हैं उसको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसमें जो पहला सेंटेंस हम लेकर के चलते हैं वो है सेंटेंस, ही सेड टू मी मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, मे यू प्रोस्पर इन लाइफ। अब जो मे से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव भी होते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सपोज जैसे हम पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान बस केवल यही होती है कि उनमें इंटरोगेशन आपको दिखाई देगा उसमें बाद में, और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं देखने में शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है कि ये मे से शुरू होने वाला है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसकी पहचान करने के बाद ही हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे सेंटेंस ही दिया हुआ है कि मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, तो ऐसे सेंटेंस में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें कोई ये विश है या कोई ये कर्ज है। ये तो सीधी सी बात है, जीवन में फलने फूलने के लिए जब किसी को कहा जाता है, ऐसी कामना करी जाती है, तो वो सेंटेंस हमारे विशेस के होते हैं, शुभकामना के होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे उसको बनाएंगे कि ही विश्ड दैट, यहाँ पर आप इस मी को ब्रैकेट में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात मेरे से कही जा रही है कि आप जीवन में फले फूले, जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसका हम पहले असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, इसका मे यू प्रोस्पर इन लाइफ। किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, ऑप्टेटिव में है, तो उस सेंटेंस को, या वो एक्सक्लेमेटरी में होगा तो उस सेंटेंस को पहले असर्टिव बनाएंगे। यहाँ पर लिखा कि मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, इसको हम असर्टिव जो बनाएंगे तो हम इसके सब्जेक्ट को शुरू में लेकर के आएंगे और इस मे को बाद में रखेंगे। इट मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा कि यू मे प्रोस्पर इन लाइफ, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ही विष्ण मी, यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब ये कहा है उसने, मेरे से कहा है कि आप जीवन में फले फूले, तो वो मुझसे जब कह रहा है आप, तो आप कौन है यहाँ पर, मैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई, आई मे को माइट में चेंज करेंगे, आई माइट प्रोस्पर इन लाइफ। तो ये सेंटेंस जो आपका था इसमें कि ही सेड टू मी मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, उसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ही विश्ड दैट आई माइट प्रोस्पर इन लाइफ। यहाँ पर इसको लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लिख भी दिया तो ये गलत नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस ऐसा लेंगे हम जिसमें हमें इससे कुछ हट करके अलग दिखाई देगा, यानी जिसमें हम कोई श्राप महसूस करेंगे। तो सपोज यहाँ पर दिया है कि शी सेड टू हिम मे यू गो टू हेल,
ऐसा जब सेंटेंस आएगा और उसमें ये दिखाई देगा कि इसमें बजाय कोई शुभकामना देने के कोई श्राप दिया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस में हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर हम उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। तो वहाँ पर सेंटेंस बनेगा हमारा, शी कर्स्ड हिम दैट। ऐसे ही इसका हम असर्टिव बनाएंगे, यू को पहले लिखेंगे, मे को बाद में लिखेंगे, यू मे गो टू हेल, ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तब हम उसको इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे, तो शी कर्स्ड हिम दैट। अब यहाँ पर उसने यानी किसी लेडी ने हिम यानी किसी पुरुष को कहा कि तुम नर्क में जाओ, तो यहाँ पर तुम कौन है, जब किसी पुरुष को बोल रही है तो वो पुरुष है, तो हम उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ही लगाएंगे। तो ही कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल। जैसा कि आपने चार्ट में भी पढ़ा है कि जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब आप इसको उठा करके देख सकते हैं कि लिसनर हमारा कौन है, हिम है यहाँ पर, तो हिम को देख करके हमें इसको यू को ही में चेंज करना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में वो चेंज होता है। अगर वो सब्जेक्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही चेंज होगा, और अगर वो पजेसिव फॉर्म में है तो वो पजेसिव फॉर्म में ही चेंज होता है वो। तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में है यहाँ पर, तो हिम को देख करके हिम जबकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं रखना कि ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, हमें इसमें केवल पर्सन देखना है कि ये थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम यू को सब्जेक्ट फॉर्म में ही चेंज करेंगे चूँकि ये सब्जेक्ट फॉर्म में है हमारी ये। तो ये तो आपका एक तरीके से थ्योरी वाला फार्मूला है ये, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसको पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात इसमें है कि उसने उससे कहा यानी किसी लेडी ने किसी जेंट्स को कहा कि आप नर्क में जाएं या तुम नर्क में जाओ, तो यहाँ पर तुम कौन है, वो जेंट्स है, और हमने उसकी जगह सीधा ही लिख दिया। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसमें। आपका नंबर थर्ड आता है इसमें कि जैसे कि आपने चार्ट भी देखा था इसमें ये कि बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें गॉड आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। सपोज द सेंट सेड टू मी मे गॉड bless you with a son। सेंटेंस है हमारा कि द सेंट सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ऐसे सेंटेंस में जब हमें गॉड दिखाई देता है तो वहाँ पर आप उसको दो तरीके से आप उसको बना सकते हैं, उसको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर विशिष्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप प्रेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसने जब गॉड को एक तरीके साक्षी मान करके उसने आपके लिए कोई कामना करी है तो सीधी सी बात है कि उसने गॉड से प्रेयर करी है। तो ऐसे सेंटेंस में जब हम बनाएंगे तो उसको दो तरीके से बना सकते हैं कि द सेंट विश्ड और प्रेड। अब यहाँ पर हमारा जो मी बचता है, इस मी की जो सेंस है इस यू में आ जाएगी यहाँ पर, ये तो बात का मतलब वही होगा। अब इसको हम पहले बना लेते हैं, बनाने के बाद में फिर हम इसको दोनों को बोल करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें सिमिलरिटी क्या है या कुछ इसका जो मीनिंग है वो कुछ बदला है। अगर हमारा मीनिंग बदल जाता है तो ये मान के चलिए कि वो सेंटेंस हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब यही होता है कि जो जिसने जैसी बात कही है हम जब उसको अपने शब्दों में कहेंगे तो उसका मतलब भी वही होना चाहिए जो स्पीकर का था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द सेंट विश्ड और प्रेड दैट। अब इसको भी हम असर्टिव बनाएंगे यानी गॉड को पहले रखेंगे, मे को बाद में रखेंगे इसको, तो गॉड यहाँ पर लिखेंगे दैट गॉड माइट ब्लेस। अब चलते हैं आगे प्रोनाउन की तरफ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब यहाँ पर लिखा है कि इसमें यू यानी तुम, तो यहाँ पर तुम कौन है यहाँ पर ये। अब देखिए इसमें इसका जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो गॉड होगा,
यहाँ पर जो यू है, इससे पहले वाले यू में ये सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, यानी तुमको। तो यहाँ पर जो मीनिंग ऑब्जेक्ट का निकल रहा है, तो ये मीनिंग ऑब्जेक्ट में होने की वजह से ये जिस भी पर्सन में बदलेगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ये अब हम ये सेकंड पर्सन का है तो मी को देख करके हमें चेंज करना है, लिसनर हमारा मी है, तो सीधी सी बात है कि इसका यू को हम मी में ही कन्वर्ट करेंगे। तो माइट ब्लेस मी विद अ सन। अब देखिए, किसी सन्यासी ने, किसी साधु ने मुझसे कहा कि ईश्वर आपको एक पुत्र दे, यानी एक पुत्र की कृपा जो है आपके ऊपर ईश्वर बनाए। अब यहाँ पर होगा कि सन्यासी ने प्रार्थना करी या शुभ कामना करी कि भगवान मुझे एक पुत्र दे, यानी जब उसने, किसी सन्यासी ने मुझसे कहा था कि आपको पुत्र दे, इसका मतलब पुत्र किसको दे, मुझको दे, इसलिए यहाँ पर ये मी आया है। ये नेक्स्ट आगे चलते हम एग्जाम्पल नंबर 4। अब ऐसे सेंटेंस आते हैं बहुत से कि जिनमें हम ये देखते हैं कि जो विश हम करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं, तो उन सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं उनको। तो यहाँ पर ये दिया है सेंटेंस ये कि सपोज द बॉयज सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर। ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो उनमें जितने भी तरीके के सेंटेंस होंगे, चाहे वो गुड मॉर्निंग के होंगे, गुड आफ्टरनून के होंगे, गुड इवनिंग के होंगे, वो सभी के सभी सेंटेंस एक ही तरीके से बनेंगे वो। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कि द बॉयज विश्ड और बेड मी। अब हमने इसको देख करके कि ये विश किया हुआ है, इसमें ये अभिवादन किया हुआ है, तो हमने सेटू को विश्ड और बेड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद में बात आती है कंजक्शन की, जैसे हम इसमें डेट लगा रहे थे, तो यहाँ पर कोई कंजक्शन जो है नहीं आएगी। तो बेड मी गुड मॉर्निंग। अब चूंकि यहाँ पर सर आया है, तो बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हम उसमें सर या मैडम को देख करके रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने विश्री और भेड लिखा, अभिवादन किया, तो रेस्पेक्ट तो इसमें अपना आप ही आ चुकी है, इसको अलग से लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद बात आती है कि जब हम कोई त्यौहार वगैरह किसी के विश करते हैं, तो तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसमें। एग्जाम्पल नंबर 5, दे सेड टू अस हैप्पी दिवाली। जब भी कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल, कोई बर्थडे विश किया जाएगा, तब उसमें थोड़ा सा ये इससे डिफरेंट होगा। चूँकि वो अभिवादन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम बेड नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम केवल विश लगाएंगे, क्योंकि विश और बीड ये दोनों की दोनों वर्ब जो होती है वो अभिवादन के लिए यूज़ होती है, तो हम यहाँ इसमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हैप्पी दिवाली केवल एक विश है, केवल शुभकामना है, वो एक अभिवादन नहीं है वो, तो इसलिए हम वहाँ पर बेड का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसको बनाएंगे कि दे विश्ड अस। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई भी कंजक्शन हमने नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर हम कंजक्शन के रूप में समझ लीजिए, या किसी भी रूप में हम यहाँ पर अ का यूज़ करेंगे। दे विश्ड अस अ हैप्पी दिवाली, के डी को कैपिटल ही लिखेंगे, अ हैप्पी दिवाली। दे विश्ड अस अ हैप्पी दिवाली, यानी हमें जो फोकस करना है इस अ के ऊपर करना है। इसके बाद मी गुड मॉर्निंग, हमें ये जो खाली जगह हमारी बची हुई है ये,
यानी यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर कोई भी कंजक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पर अ लगाएंगे और बाकी सके जो हमने लगा रखी वहाँ पर जो है हमारा जो दैट है वो बिल्कुल सही है, इसको दैट को लगा करके रखेंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपकी बात आती है समझिए, जैसे हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, नंबर सिक्स रामू सेड टू मी थैंक्स सर, ऐसा सेंटेंस आ गया कि रामू ने मुझसे कहा कि सर थैंक्स, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, केवल जो हमारी ये सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस थैंक्स को हम वर्ब बना करके यहीं पर लेकर के आ जाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रामू थैंक्ड मी, बस इतना आपने लिखा कि रामू ने मुझसे कहा कि आपका धन्यवाद और हमने अपने शब्दों में एक उसको कह दिया कि रामू ने मुझे धन्यवाद दिया। इसके बाद आती है एक सेंटेंस और ज़्यादा बहुत प्रचलित है, ऐसा सेंटेंस हम बोलते हुए कई लोगों को देखते हैं और ये हमारे एक तरीके से अगर देखा जाए तो आचार विचार के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द बन चुका है, एक सेंटेंस बन चुका है। ये उसमें क्या होता है कि द टीचर सेड टू रोहन कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीचर ने रोहन को कहा कि बधाई हो। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ये भी हम इसको वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे इस सेड टू की जगह, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है ये, तो ये सेंटेंस हमारा बन जाता है फिर ये इसके बाद में कि द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहन, मतलब इस तरीके से हमारा सेंटेंस ही पूरा हो जाता है। दरअसल इसमें क्या होता है कि अगर कुछ बात और आगे कही हुई है तो हम उसको जब जोड़ेंगे तो उसमें यहाँ पर सेइंग दैट लिख करके और उसको प्लस कर देंगे, सेइंग दैट यानी ये कहते हुए कि, ये लिख करके हम उसमें और आगे उसको जोड़ देंगे। इसमें सपोज ये लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव टॉप्ड द क्लास, तो हम उसको लिख देते हैं उसमें कि द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहन saying that he had topped the class। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में भी हम कर सकते थे कि जैसे इसमें लिखा कि थैंक्स सर यू ऑलवेज हेल्प्ड मी, आपने हमेशा मेरी जो है ना वो सहायता की थी। तो ऐसे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं कि रामू थैंक्ड मी saying that I always helped him। तो ऐसे सेंटेंस में हम जो भी है उसमें saying that करके और आगे की चीज़ प्लस कर सकते हैं। आज के लिए आपका इतना ही है ये, और इसको आप टेबल को अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसको ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस टेबल को आप अपना कहीं ना कहीं नोट भी करके रखें और इनको अच्छी तरीके से पढ़ें इनको। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक्स अगेन।